वेलकम फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का स्टडी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा एक भी वीडियो आप मिस ना करें। शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है, विच प्लांट न्यूट्रिएंट रीचेस रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आंसर है फास्फोरस। मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस से कौन सा न्यूट्रिएंट जाता है रूट में, तो यह है फास्फोरस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द क्ले मिनरल्स आर फाउंड मोस्ट इन एग्रीकल्चर सॉइल, तो ये है फाइलोसिलिकेट्स। ये क्ले मिनरल है जो जनरली एग्रीकल्चर सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है, फाइलोसिलिकेट्स। व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ वाटर व्हाट इज द रिजल्ट, तो ये होता है इंक्रीज्ड अमोनियम कंटेंट एंड इंक्रीज्ड पीएच। ये दोनों चीज़ें रहता है अगर अमोनिया वाटर से रिएक्ट करता है तो, है ना, अमोनियम कंटेंट बढ़ता है और पीएच भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, द स्लोवेस्ट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज सीन विथ विच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ये है लिग्निन। मतलब लिग्निन में सबसे स्लो रेट में डिकम्पोजिशन होता है ना। नेक्स्ट है, द न्यूट्रिएंट्स विच इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट ओनली इन एनायनिक फॉर्म इज, ये है फास्फोरस, सल्फर एंड बोरॉन। ये तीनों सिर्फ एनायनिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है, एनायन फॉर्म में, है ना। द माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज स्पेशली टाइटली हेल्ड बाई ऑर्गेनिक मैटर दैट इट्स अवेलेबिलिटी टू क्रॉप प्लांट कैन बी वेरी लो इन ऑर्गेनिक सॉइल इज कॉपर। मतलब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बहुत टाइटली हेल्ड रहता है, मतलब अटैच रहता है ऑर्गेनिक मैटर से, है ना, जो जिससे उसका जो अवेलेबिलिटी है वो स्लो रहता है। नेक्स्ट है, विच नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉसिंग अ डिक्रीज इन नाइट्रेट नाइट्रोजन अंडर एनारोबिक कंडीशन, ये है डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब ये प्रोसेस है जिससे डिक्रीज होता है नाइट्रेट नाइट्रोजन, है ना, एनारोबिक कंडीशन में। नेक्स्ट है, विच सॉलिड पार्टिकल विल फॉर्म अ सॉलिड अ सॉइल सस्पेंशन एग्जिबिटिंग हाई कोलाइडल प्रॉपर्टीज, ये है वर्मिक्यूलाइट, है ना। ये सॉइल सस्पेंशन फॉर्म करता है जिसका कोलाइडल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहता है, वर्मिक्यूलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, इन वर्ल्ड विच साइंटिस्ट हैड डेवलप्ड फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड H4, तो जानते होंगे CT पटेल, ये साइंटिस्ट हैं जो H4 निकाले थे, है ना, कॉटन हाइब्रिड। नेक्स्ट है, UG99 इज अ स्टेम रस्ट कॉसिंग फंजाई इन वीट वॉज रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम फ्रॉम युगांडा। मतलब सबसे पहले UG99 जो स्टेम रस्ट कॉसिंग फंजाई है वो युगांडा से रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट है, इन नॉर्थ इंडिया अंडर राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट डेफिशियंट। आंसर है जिंक। मतलब सबसे ज़्यादा जिंक का कमी रहता है राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में, है ना, नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट है, हेड क्वार्टर ऑफ रेन फेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली में है, है ना, हेड क्वार्टर। नेक्स्ट है, अंडर स्ट्रेस कंडीशन विच अमीनो एसिड एक्यूमुलेटेड इन क्रॉप प्लांट्स दैट इज प्रोलिन, है ना। स्ट्रेस कंडीशन में प्रोलिन जो है वो एक्यूमुलेशन होता है, प्रोलिन का स्ट्रेस कंडीशन में। इन इंडिया फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन मंजरी वाज स्टार्टेड इन 1923 में शुरू हुआ था फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ फोडर क्रॉप इन इंडिया इज 4.5% ऑफ इट्स टोटल कल्टिवेटेड एरिया। मतलब 4.5% है टोटल कल्टिवेटेड एरिया का फोडर क्रॉप में, है ना। केंट कोचमैन एंड फ्लेमिंग गोल्ड आर दी वेराइटीज बिलोंग्स टू ओट, ठीक है, ये ओट की वैरायटी है तीनों। इन टेबोको द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रैक्टिसेस इज, सबसे पहले इसमें टॉपिंग करते हैं, देन डीसकरिंग, देन प्राइमिंग, तीनों प्रोसेस करते हैं, ठीक है, पहले टॉपिंग फिर डीसकरिंग फिर प्राइमिंग टोबैको में। टॉपिंग कंसिस्ट इन रिमूवल ऑफ द टर्मिनल बड विथ और विदाउट सम ऑफ द स्मॉल लीव्स प्रैक्टिस्ड इन टोबैको। मतलब टॉपिंग में क्या करते हैं, टर्मिनल बड को रिमूव करते हैं जिसमें लीव हो भी सकता है और नहीं भी रह सकता है ना, इसको करते हैं टोबैको में। नेक्स्ट है, ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ टोबैको इज
2 to 3 केजी पर हेक्टेयर, 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर है ना टोबैको का सीड रेट। नेक्स्ट है द मेन क्रॉप ऑफ पोटैटो इज प्लांटेड फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर। ये 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक लग जाना चाहिए मेन क्रॉप अगर पोटैटो ग्रो कर रहे हैं तो, है ना। नेक्स्ट है द आइडियल टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो इज 18 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब आइडियल टेम्परेचर कितना है 18 डिग्री सेल्सियस ट्यूबराइजेशन के लिए। नेक्स्ट है फॉर आइडियल प्लांट पॉपुलेशन द सीड रेट ऑफ सुगर बीट शुड बी 8 to 10 kg per hectare, 8 से 10 kg per hectare चाहिए रहता है सीड रेट, है ना सुगर बीट में। नेक्स्ट है सुगर बीट मेच्योर्स इन अप्रैल एंड मई, मतलब अप्रैल में भी मेच्योर हो जाता है सुगर बीट। नेक्स्ट है सुगर बीट बेटा वल्गेरिस ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरेनियन रीजन बिलोंग्स टू चिनोपोडिएसी, कौन से फैमिली में आता है, ये है चिनोपोडिएसी में। नेक्स्ट है द रूट स्लिप्स आर स्टेम कटिंग रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग 1 hectare ऑफ लैंड इन नेपियर ग्रासेस अबाउट 27,800, लगभग सीडलिंग रिक्वायर रहता है नेपियर ग्रास में, है ना, 1 hectare में लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।